बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है लॉकडाउन के इस तीसरे चरण में आप सब अपने घर में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और घर बैठकर आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों आज हम मुगल काल में बनाई गई एक भव्य और ऐतिहासिक इमारत के बारे में आपके सामने चर्चा करेंगे, जो इतिहास में लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। लाल किला, जिसे किला ए मुबारक के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा दिल्ली में यमुना नदी के दाहिने किनारे बनाया गया। आपके मन में यह बार बार प्रश्न आता होगा कि लाल किला है क्या। कई बार स्वयं से उत्तर दे देते हैं कि यह एक भवन है। वास्तव में लाल किला कोई भवन नहीं है, बल्कि शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद नामक एक शहर की स्थापना किया था और आगरा के जगह उस शाहजहानाबाद शहर को अपनी राजधानी बनाया। तो उसी शहर की घेराबंदी के लिए, दिल्ली स्थित अपनी राजधानी को घेराबंदी कराने के लिए लाल बलुआ पत्थर से एक चार दीवारी का निर्माण कराया। उसी चार दीवारी को हम लाल किला के नाम से जानते हैं। इस किला के वास्तुकार हामिद तथा अहमद लाहौरी है। इसमें मुख्य दो गेट हैं। इसमें प्रवेश करने के या निकलने के मुख्य दो ही गेट हैं। एक किला के पश्चिम तरफ से और दूसरा किला के दक्षिण तरफ से। इसका जो पश्चिमी द्वार है, इसे लाहौरी दरवाजा के नाम से जानते हैं और इसका जो दक्षिणी द्वार है, इसे हम दिल्ली दरवाजा के नाम से जानते हैं। लाल किला में कई प्रमुख भवन हैं, छोटे बड़े। उन भवनों में प्रमुख भवन है दीवान-ए-आम, इसमें राजा नियमित बैठक करता था और अपने आम जनता से मिलते थे। इसी दीवान-ए-आम में शाहजहां ने अपने बैठने के लिए सोने की सिंहासन बनवाई थी, जिसे मयूर सिंहासन या तख्त ए ताऊस के नाम से जानते हैं। दूसरा दीवाने खास, जहां राजा खास लोगों से मिला करता था। मोती महल, हीरा महल, शीश महल, नौलखा महल और ख्वाबगाह। इसके अतिरिक्त नहर ए बहिश्त और किला के अंदर ही एक मोती मस्जिद भी है, जिसका निर्माण शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। यह किला 1648 ईस्वी में बनकर तैयार हो गई और यह किला आज भी दिल्ली में स्थित है। सैलानी वहां आते हैं, घूमते हैं और हमारे स्थापत्य कला के नमूनों को देखकर भारत की प्राचीन गौरव, मध्यकालीन गौरव गाथा का मूल्यांकन करते हैं। धन्यवाद।